तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और फिर से एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से कौन सा बिजनेस है और किस प्रकार से हमें करना है। सब ए टू जेड वीडियो में आप समझेंगे। इसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करके आसानी से पैसा आप गाँव पे रह के कमा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं गाँव के लिए जो है अच्छा नया नया जो है बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिर से दोस्तों आपके पास हाजिर हुआ हूँ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो वीडियो को पूरा वॉच करके आप देखना है कि किस तरह से हम बताते हैं, वो समझना है आपको। दोस्तों चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका जो है तो हमारी वीडियो का आ जाए आपके पास। तो दोस्तों समझ लीजिए कि अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, आपको कोई जो है तो आइडियाज़ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस करूं और किस प्रकार से करूं, तो दोस्त आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमें काम करना है और किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार काम करके हम अच्छा खासा जो है पैसा अर्न कर सकते हैं। अर्न करके आप आसानी से जो है तो मैं बता दूँ कि घर पे गांव में सिटी हर जगह ये बिजनेस स्टार्ट करके आप आसानी से जो है तो महीने का, नहीं मेरे अंदाज से बता रहा हूँ, महीने का आप 2 से 2.5 लाख रुपये अगर बढ़िया होलसेलर बन जाते हैं तो आप कमा सकते हैं। ऐसा नहीं, पर डे आपको 1000 से 2000 रुपये तो इनकम आने ही वाला है। इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपके पास जो है तो बिजनेस आइडिया शेयर किया जाए और किस प्रकार से आपको काम करना है मैं इस वीडियो में पूरा A to Z क्लियर करके आपको सब समझा दूंगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँगा, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम में हम नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसमें जाके फॉलो करके आप उसमें जुड़ जाइए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए अगर तो हमारे उसमें DM करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा, A to Z आपका रिप्लाई करूँगा, आप उसमें से भी जानकारी ले सकते हैं। आज मैं आपको दो तरीके बताऊँगा दोस्तों, दो तरीके आपको बताऊँगा बिजनेस करने के, तरीके दो बताऊँगा किस तरह से आपको बिजनेस ये करना है और किस तरह से जो है तो ये प्रॉफिट होगा आपको। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं वीडियो के एंड में जो है लास्ट में आपको बताऊँगा कहाँ से आपको ये मिलेगा। तो वीडियो में बने रहना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है फैमिली यार दोस्तों के साथ, शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को ताकि उनको भी पता चले कि कौन सा बिजनेस है और किस प्रकार से हमें काम करना है। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सफल और बहुत हमेशा चलने वाला बिजनेस आइडिया बताऊंगा, जो क्योंकि आपको कभी बंद होने वाला बिजनेस आइडिया नहीं है, हर घर में यूज होता है और हर जगह में यूज होता है, आप कहीं भी रह के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए आपका अगर घर जो है तो, अगर समझ लीजिए आपका घर जो है तो गाँव में है तो गाँव में भी स्टार्ट करके आप इसमें अर्न कर सकते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों को जो है तो सिटी में जाना पड़ता है, तो आप गाँव में स्टार्ट करके आसानी से पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। और दूसरा जैसे समझ लीजिए आप सिटी में हैं, सिटी में चालू करके अच्छा खासा इसमें सिटीज में अलग मतलब तरह तरह के लोग आते हैं, उसमें जो होता है आसानी से पैसा आप अर्न कर सकते हैं। इसमें लागत कितनी आएगी वो भी मैं लगभग आपको जो है क्लियर कर दूंगा कितनी लागत आएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए और किस तरह से काम करना है वो मैं वीडियो के माध्यम बताता हूँ। और देखिए ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको खुद जो है तो सक्षम मतलब अपनी जानकारी और अपने जो है तो मनोबल के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करिए। देखिए वीडियो का मेन उद्देश्य होता है आपको मोटिवेट करना और बिजनेस आइडियाज बताना किस प्रकार से ये काम कर सकते हैं आप। अगर जो है तो नुकसान हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि अपने अपने जो है समझ लीजिए कि होश आवाज मतलब ये बिजनेस करें और अच्छी तरह से जानकारी लेकर ये बिजनेस स्टार्ट करें। तो चलिए आज मैं आपको फिर से एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ बताऊंगा और आज दो दो बताऊंगा किस प्रकार से आपको काम करना। देखिए दोस्तों ये जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको बता रहा हूँ ये है कॉस्मेटिक शॉप का। अगर आप जो है तो बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस आप स्टार्ट करके एक छोटा सा चाहे दुकान बनाइए या फिर आपके पास पैसे थोड़ा लगा के बहुत बड़ा सा जो है तो गोडाउन बना लीजिए। उसको क्या करना है, कॉस्मेटिक शॉप का जितना मटेरियल आता है, जितना मतलब उसमें
लेडीजों का मेकअप वगैरह जो रहता है सब हर प्रकार के जो है तो लेडीजों को उसमें जो है तो मटेरियल आपको लाना है। और इसके बाद आपको होलसेल करना दोस्तों, आपको जो है तो एक गोडाउन बना लेना छोटा सा और होलसेल का एक काम करना। आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ला के आपको होलसेल में काम कैसे करेंगे मैं बताऊँगा। देखिए होलसेल में काम आप कैसे कर सकते हैं, आपको केवल 10 दुकानें पकड़ लेनी है, 10 दुकानें पकड़ लिए या फिर 5 दुकानें पकड़ लिए। 5 दुकान पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि उनको एक कार्ड अपना छोटा सा छपा के कार्ड उनको दे देना है। कार्ड जब दे दिए आप तो और जब आप उनकी ज़रूरत रहेगी तो आपको ऑटोमेटिक जो है तो संपर्क करेंगे कि सर जी हमें ये चीज़ चाहिए, आप वो हमारे यहाँ तक पहुँचवा दीजिए। तो आपको केवल अपने क्षेत्र में, जैसे समझ लीजिए आपके क्षेत्र में आपको देख लेना है कि हमारे जहाँ जहाँ सिटी लगती है वहाँ वहाँ केवल आपको जाके 10 दुकानों से मिल लेना है। और इसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो है तो वहाँ पे माल आना जाना चालू हो जाएगा और घर बैठे आसानी से पैसा आप कमाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। ये मिलेगा कहाँ मैं आपको बताऊंगा, ये मिलेगा कहाँ से, अगर आपको अपने मार्केट से लेना है जहाँ होलसेलर रहते हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं, आपको आसानी से जो है सही रेट में वहाँ से भी मिल जाएगा। अन्यथा नया नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगा दोस्तों। वीडियो में आपको बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हमें काम करना है दोस्तों। पहले मैं कॉस्मेटिक की जितनी चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देखिए ये जैसे कि समझ लीजिए ये जो कॉस्मेटिक के जितने भी मेकअप वगैरह सब आते हैं और लेडीजों के जो है तो अब हर जगह जो है लेडीजों की मात्रा ज़्यादा है, तो आपको पता है कि बहुत सारे जो है तो ये बिकने वाले चीज़ हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये आप जो है तो होलसेल का काम स्टार्ट करके आसानी से इसमें से पैसा आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा मैं बता देता हूँ इसमें जो है तो दूसरा कौन सा है। देखिए आप जैसे कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट कर लिए और साइड में आपको क्या करना है, एक जैसे कॉस्मेटिक का एक दुकान शॉप हो गया और इसके बगल में आपको क्या करना है, एक ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर का आप जो है तो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो उसमें जो है तो लेडीजों को आना तय हो जाएगा। उसमें जो है तो आपको पता है चाहे गांव हो चाहे सिटी हो हर जगह जो है तो ब्यूटी पार्लर बहुत तेज़ी से चलता है। तो आप उस ब्यूटी पार्लर का भी साइड में बिजनेस स्टार्ट करके लोग जब ब्यूटी पार्लर में आएंगे तो इसके बाद जो है तो आपके पास जो दुकान शॉप है शॉप में तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है तो सामान आप ब्यूटी पार्लर से आएंगे मेकअप वगैरह कराएंगे, इसके बाद डायरेक्ट जो है तो वहाँ से आपकी शॉप से सामान ले जाएंगे। तरह तरह के लोग रहते हैं और छोटे बड़े वर्ग के लोग रहते हैं, तो सभी जो है तो ब्यूटी पार्लर आएंगे और आसानी से जो है तो आप इसमें आपको करना क्या है समझ लीजिए, आपको खुद का नहीं आता है तो आप इसमें से मतलब आदमी जो है तो किराए पे भी रख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये बिजनेस स्टार्ट करके आप आसानी से जो है तो पैसा बहुत अर्न कर सकते हैं दोस्तों। इसमें खर्चा कितना आने वाला है समझ लीजिए, अगर आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए कि 10 से 15 हज़ार का जो है तो खर्चा आने वाला है। ज़्यादा भी आता है जिसके लिए आते से आप रखेंगे उस तरह से आपको जो है ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब आपको छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा करना है उसी बिजनेस को स्टार्ट करके उसी पैसे से आप नया बिजनेस उसको बड़ा करिए। हाँ तो ये दोस्त मैं आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हम दे दिए, आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें जो है तो कमेंट करिएगा ठीक है। और इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है, शेयर कर देंगे, शेयर से क्या होता है कि समझ लीजिए आपको तो जानकारी मिल गई साथ ही साथ दूसरों को भी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी वीडियो डालो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आ जाए। ये दो बिजनेस आइडियाज आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करिएगा, और एक चीज़ जरूर बता दूँ कि आप किस राज्य से हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको मैं तरह तरह से वीडियोस लेके आता हूँ बिजनेस की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वेट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।